हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन पे हम बात करेंगे टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के टॉपिक के बारे में ऑन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स। तो पिछला वीडियो जो है आपने अगर नहीं देखा है तो उसको फटाफट से देख लीजिए, जिसमें कि हम लोगों ने EMF इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ था। वी बाई एफ रेशियो क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको क्यों कॉन्स्टेंट रखा जाता है, इतना कुछ पोर्शन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था। ठीक है, अब आज वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वी बाई एफ रेशियो से लेकर के आऊंगा और वहीं से आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो तक लेकर के जाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है और आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपके पास इस टॉपिक का नॉलेज होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए द टर्न रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एज मच एज पॉसिबल इस वीडियो को शॉर्ट रखने की मैं कोशिश करूंगा और कंटेंट जो है वो पूरा पूरा हम लोग कवर करेंगे इसमें। ठीक है, सो प्रीवियसली पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि लास्ट क्लास में हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो V बाई एफ रेशियो होता है, सबसे पहले तो हेडिंग डाल देते हैं टर्न रेशियो, टर्न रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अच्छा इनकी जरूरत क्यों पड़ती है इसको भी समझेंगे, थ्योरेटिकली इनकी क्यों नीड पड़ती है वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। बट फिलहाल आपने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ था कि वी बाई एफ रेशियो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मर के, और वी बाई एफ रेशियो को हम लोग कॉन्स्टेंट मेंटेन करते हैं। तो इसमें से अगर कोई भी एक पैरामीटर चेंज होती है तो दूसरे को भी चेंज करके उस रेशियो की वैल्यू को हम लोग कॉन्स्टेंट एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ था वी बाई एफ के लिए कि अगर सपोज कर लीजिए कि वी की वैल्यू आपके पास 200 है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज है, ठीक है, तो इस कंडीशन में वी बाई एफ रेशियो इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर सेकंड कोई केस होगा जहां पे V की वैल्यू 1000 वोल्ट्स होगी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मान के चलिए 100 हर्ट्ज के आसपास की है, तो इसका भी V बाई एफ रेशियो जब आप निकालोगे तो ये भी 10 आएगा। तो V बाई एफ रेशियो जो है उसको कांस्टेंट मेंटेन करना जरूरी है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी रेशियो का कांस्टेंट मेंटेन किया जाना यहाँ पर बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। अब जो ईएमएफ इक्वेशन का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था उसी से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने देखा था ईएमएफ इन द प्राइमरी साइड, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी साइड जो था उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखे थे। इट इज गिवन एज 4.44 इंटू एफ फाइ एम एन वन। ठीक, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी साइड कितना था हमारे पास, सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ था हमारे पास ये भी 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू एन टू। ठीक है, ये ई आर एम एस या ई वन आर एम एस ई टू आर एम एस की वैल्यूज है हमारे पास। ठीक, इस फॉर्म में वैल्यूज आई थी। तो अगर सपोज कर लीजिए इनका मैं रेशियो निकालता हूँ, ठीक है, ये लेट अस सपोज कि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, इसका अगर मैं रेशियो ले लूँ, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू इक्वेशन नंबर टू, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास बनाएगा, क्या एक्सप्रेशन बना देगा भाई, ये एक्सप्रेशन बना देगा ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू 4.44 एफ फाइव एम इंटू एन वन डिवाइडेड बाई 4.44 इंटू एफ फाइव एम ऑफ एन टू। ठीक, इतना टर्म कॉमन है, इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू एन वन बाई एन टू। ये एक्सप्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्न रेशियो के फॉर्म में अगर हमको देखना होता है। बेसिकली इसकी क्यों जरूरत पड़ती है मैं आपको पहले रीज़न बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकें इस चीज़ से। टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के डिज़ाइन पैरामीटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हो एक ट्रांसफॉर्मर को तो आपको ये डिज़ाइन पैरामीटर्स जो है वो क्लियर करने के लिए या किस साइड पर कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि आउटपुट में कहाँ पे ज़्यादा करंट चाहिए कि ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, उस हिसाब से हम ये रेशियो जो है उसको डिसाइड करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि ये रेशियो जो है ये कितने डिफरेंस पर चल रहा है एक दूसरे से। ठीक, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उतना नंबर ऑफ टर्न्स या उतना सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसको देखते हैं। तो इस हिसाब से हमको ये टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो मिलता है। ठीक, तो टर्न रेशियो क्या किसको बोलते हैं हम लोग, टर्न रेशियो इज द प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स। यहां से पहला टर्म आता है टर्न रेशियो,
टर्न रेशियो। ठीक है, छोटा टॉपिक है, एग्जामिनेशन में 2 से 4 नंबर में पूछेगा, अगर पूछा ये टॉपिक तो इसमें आपको पूछ सकता है कि टर्न रेशियो क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ, इसको चलो थ्योरेटिकली लिखा देता हूँ मैं आपको, ट्रांसफार्मर को हम लोग फुल लेंथ ही पढ़ेंगे पूरा, जैसे अभी तक बाकी चीज़ों को थोड़ा सा फास्टली पढ़ रहे थे, तो आपने देखा होगा कि कंटेंट भले पूरा कवर कर रहे हैं बट थोड़ा सा फास्ट फास्ट पढ़ते चले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे नहीं जा रहे थे। बट यहाँ ट्रांसफार्मर का जो लेक्चर्स है वो इससे पहले दूसरे चैनल्स पर मैंने आपके लिए नहीं कंडक्ट किया हुआ था, या किसी वजह से नहीं कंडक्ट हो पाया था, तो अभी ट्रांसफार्मर जो कंडक्ट हो रहा है आपके लिए वो फुल लेंथ टाइप कंडक्ट हो रहा है। तो आराम से आप पूरा पढ़िएगा, पूरा फुल लेंथ सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि एक बार आपके पास एक थॉरो वीडियोस मतलब थॉरो डिटेल्स वाला पूरा वीडियो रहेगा कि आप जब चाहें इनको रेफर कर सकते हैं। इवन आप AEJEE के लिए भी जब पढ़ेंगे आगे तो इन वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। सो व्हाट अबाउट द टर्न रेशियो, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WDG, प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स टू द सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स, द सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स, ठीक है। सो दिस टर्न रेशियो, टर्न रेशियो इसको डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। द टर्न रेशियो अल्फा इज गिवन एज प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स, और इसके रिस्पेक्ट में फिर हम EMF वगैरह का एक्सप्रेशन जो है उसको देखते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स टू सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स, या फिर इसको E1 बाई E2 के फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जो है N1 बाई N2 के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होती है। ये अल्फा की वैल्यू को लेकर क्वेश्चन पूछता है AEJEE के पेपर में, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो बताइए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। क्या क्वेश्चन है, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। सिमिलरली अल्फा की वैल्यू अगर स्मॉलर देन 1 है तो बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। इसका आंसर मैं लिखवा दूं आपको, देखिए अल्फा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड इज हायर एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी साइड। 1 से बड़ी वैल्यू देने का मतलब यही हो गया अल्फा का कि प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, और ऐसा अगर है सेकेंडरी साइड के कंपेरिजन में तो इसका मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और अगर अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है तो इस फ्रैक्शन के टर्म में आप देखेंगे कि सेकेंडरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी यहां पे, और इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर रहेगा कि अल्फा की वैल्यू का ग्रेटर देन 1 होना और लेस देन 1 होना क्या इंडिकेट करता है, और यूनिवर्सिटी पेपर में जब इसका क्वेश्चन आता है तो ये दो सिचुएशन, दो कंडीशंस भी जरूर से आप बताइएगा, ठीक है, ये बता लेंगे आप लोग, ठीक। तो अब टर्न रेशियो का हम लोग बेसिकली यूज इसीलिए इसलिए भी करते हैं कि भाई हमको पता चले कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप टाइप का है कि स्टेप डाउन टाइप का है, नंबर ऑफ टर्न्स में कितने का चेंज कर रहे हैं टू अचीव दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ EMF। तो ऐसा हम लोग बेसिकली इसमें कंडीशन जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब जब ये टर्न रेशियो हो गया, चलो डिजाइन पैरामीटर्स में से एक अपन ने देख लिया टर्न रेशियो, तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है वो भी बता देता हूं आपको, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा पॉइंट बी, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो क्या बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो क्या चीज बताता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जिसको कि के से हम लोग इंडिकेट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, वो क्या चीज़ के बारे में बताता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समझने के लिए थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के और डिटेल में जाएंगे। ये वोल्टेजेस के फॉर्म में बात करता है, पहले तो शॉर्ट में लिखते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी साइड वोल्टेज, सेकेंडरी साइड वोल्टेज टू द प्राइमरी साइड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर।
इट इज़ द रेशियो ऑफ सेकेंडरी साइड वोल्टेज टू द प्राइमरी साइड वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक, तो इसका मतलब इसको किससे डिनोट कर रहे होंगे हम लोग, इसको हम लोग डिनोट कर रहे होंगे के से, इसको के से डिनोट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बगल में मैं लिख देता हूँ, इट इज डिनोटेड विद के एंड इट इज गिवन एज द प्राइमरी साइड वोल्टेज मतलब सॉरी सेकेंडरी साइड वोल्टेज मतलब दिस इज वी टू अपॉन वी वन। इस रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को बताते हैं। ठीक, तो K की वैल्यू का बताइए। अब K की वैल्यू से भी आप स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसकी भी सिचुएशन या कंडीशन जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। इफ K इज ग्रेटर देन वन एंड इफ K इज स्मॉलर देन वन, दोनों कंडीशन में आपको मान लीजिए स्टेप अप स्टेप डाउन आइडेंटिफाई करने पूछता है तो क्या हो जाएगा। देखिए, K का वन से बड़ा होना बताता है कि V2 की वैल्यू हायर है एज कम्पेयर टू V1, और V2 अगर बड़ा है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बड़ा है, तो मतलब स्टेप अप हो रहा है वहां पर। दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नाउ व्हाट अबाउट K स्मॉलर देन वन, K की वैल्यू का वन से छोटा होना यह दिखाता है कि V2 की वैल्यू छोटी एज कम्पेयर टू V1, मतलब इनपुट जो आपने जो प्राइमरी साइड पे जो इनपुट प्रोवाइड किया दैट वॉज हायर एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी, इसका मतलब वोल्टेज जो है वो स्टेप डाउन हो रही है। सो दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सो K की वैल्यू स्मॉलर देन वन, K की वैल्यू ग्रेटर देन वन, दोनों का आइडिया आपको समझ में आ गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और आपको टर्न रेशियो दोनों टाइप्स दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिलेशन, और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी थ्योरी में जब आपको इसके बारे में पूछा जाएगा तो अपनी थ्योरी में इसको एज अ पॉइंट बना के आप लिखिएगा। ये अलग से हो सकता है ना पूछे आपको, तो एज अ टॉपिक आपको पूछेगा, एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में बताना होगा, उस शॉर्ट नोट के अंदर ये दो पॉइंट जरूर से मेंशन कर दीजिएगा, ये बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है इसको समझते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समझने के लिए मैंने अभी जस्ट आपको एक रिलेशन बताया था कि ई वन इज इक्वल टू, सिंस ई वन इज इक्वल टू 4.44 इंटू 5m इंटू एफ इंटू एन वन। ठीक, और हमारे पास क्या था, ई टू था, दिस वॉज 4.44 इंटू एफ 5m इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन टू। ठीक, तो इससे अगर मैं रिलेशन निकालूं, इससे रिलेशन निकालूंगा, सो वी कैन गेट कि E1 वन बाई ई टू इज इक्वल्स टू, या एक चीज़ और, हाँ जी, तो E1 वन इंटू एन टू इज इक्वल्स टू ई टू इंटू एन वन, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि E2 टू बाई ई वन शुड बी इक्वल टू एन टू बाई एन वन। ये भी एक फॉर्म इसके अंदर EMF के हिसाब से बताया जा सकता है, E2 by E1 is equals to N2 by N1, ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ही शो करेगा। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के सभी पार्ट्स को अगर हम एक साथ मिला दें तो हमको यहां तक मिल गया कि E2 by E1 N2 by N1 के बराबर होता है और वो V2 by V1 के बराबर होता है। क्या हमेशा बराबर होगा? क्या नहीं? नो लोड कंडीशन यहां पे देखना जरूरी है। अब यहां पे बात आती है कि भाई लोड लगा हुआ है सेकेंडरी साइड पे या नहीं लगा हुआ है, क्योंकि E2 और V2 इक्वल हो इसकी बात डिपेंड करेगी कि सेकेंडरी साइड पर लोड लगा है या नहीं लगा है। अब आप बोलेंगे सर दोनों तो एक ही चीज़ है, दोनों अलग है। सेकेंडरी साइड पर क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज ई टू, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज वी टू। तो जरूरी नहीं है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अगर लोड लगा हुआ है तो हो सकता है कि वहां की जो रेजिस्टेंस है वाइंडिंग की, वो रेजिस्टेंस I2 into R, मतलब I into R के फॉर्म में वहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आपके E2 का एक्सप्रेशन चेंज जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा ये चीज। तो E2 is equals to I2 into R2 plus V2 लिखोगे आप, तो I2 into R2 का एग्जिस्टेंस अगर है वहां पर, मतलब अगर ऑब्वियसली लोड लगा हुआ है तो सेकेंडरी साइड की करंट भी जारी होगी, और सेकेंडरी साइड की करंट अगर जारी है तो वहां वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा होगा उसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से। तो इसीलिए जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी साइड के बराबर हो, ये बात निर्भर करता है कि बाहर लोड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए दो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, ऑन लोड और नो लोड वाली कंडीशन। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहां तक हम लोग समझ गए। अब चलिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को करंट के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं, इसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को जरा करंट के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन
रेशियो इन द टर्म्स ऑफ करंट, इन द टर्म्स ऑफ करंट। अब देख लेते हैं कि देखो हम लोगों ने वोल्टेजेस का रिलेशन देख लिया V2 बाई V1, हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन देख लिया N2 बाई N1, और फिर EMF का रिलेशन देख लिया E2 बाई E1 के फॉर्म में। अब एक चीज बच गया कि करंट का क्या रिलेशन है, करंट इनसे कैसे रिलेटेड है इन चीजों से, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब करंट की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों चीजें हो रही है। तो नॉर्मली आप पढ़ते हैं ना कई बार कि भाई अगर अगर ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा करंट कम हो जाएगी, स्टेप डाउन है तो करंट को बढ़ाएगा, स्टेप डाउन है तो वोल्टेज को कम करेगा करंट बढ़ जाएगी, ऐसा सिचुएशन हम लोग देखते हैं। तो क्या आपने इस बारे में सोचा है कि ऐसा होता कैसे, क्यों ऐसा हो जाता है? भाई वी प्रोपोर्शनल टू आई इंटू आर आप लिखते हैं, तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो फिर करंट भी बढ़नी चाहिए वहां पर, है ना, या वोल्टेज घट रहा है तो करंट कम होनी चाहिए। तो ये ऐसा करता कैसे है, ऐसा उल्टा कैसे हो जाता है यहाँ पे, वोल्टेज हम लोग सेकेंडरी साइड में बढ़ा रहे हैं स्टेप अप कर रहे हैं लेकिन करंट कम हो गई सेकेंडरी में, व्हाई दिस हैपेंस? देखिए ट्रांसफार्मर जो है आपका इट इज लाइक अ कॉन्स्टेंट पावर डिवाइस, कॉन्स्टेंट पावर जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ पावर के हिसाब से इट मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट पावर। अब कॉन्स्टेंट पावर का मतलब ये होता है, कॉन्स्टेंट पावर ये कैसे मेंटेन करता है, देखिए अब जैसे प्राइमरी साइड की पावर है P1 और सेकेंडरी साइड की पावर है P2, तो इसको ये कांस्टेंट मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा देखिए, अब P1 की वैल्यू है आपके पास V1 इंटू I1 इंटू कॉस फाई वन, और सिमिलरली P2 की वैल्यू है आपके पास V2 I2 कॉस फाई टू। एक्टिव पावर की ही बात करेंगे हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड पे। अब जब इस एक्टिव पावर की बात करेंगे तो इस पावर को ये कंजर्व करने की इसकी नेचर रहेगी। ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा भाई, कोई भी लम्प्ड सर्किट जो होता है, टेलिजेंस थ्योरम अगर आपने पढ़ा हुआ है तो टेलिजेंस के आधार पे आप बात कर सकते हैं कि कोई भी लम्प्ड सर्किट जो होता है वो हमेशा पावर की कंजर्वेशन का सोचेगा, हमेशा पावर को कंजर्व करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द इनपुट पावर या पावर सप्लाई टू द सर्किट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिसिपेटेड पावर इन द सर्किट, कि सर्किट में जितने इनपुट पावर आप दे रहे हो उसी के बराबर बिल्कुल पावर का डिसिपेशन हो सकता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ पावर का सिद्धांत यहां पे भी काम करता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है देखिए, अब इनको रेशियो के फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहां से आइडियल ट्रांसफार्मर अज्यूम करूं, आइडियल ट्रांसफार्मर आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में, आइडियल ट्रांसफार्मर ये मैं अज्यूम करता हूं तो मैं कॉस फाई को यूनिटी बताऊंगा। So I will say कि our power factor is at unity. अगर unity है तो मेरे पास V1 I1 is equals to V2 I2 यहाँ से दिखते हैं। So V2 by V1 is equals to I1 by I2, ये ratio मेरे पास निकल के आता है। अब V2 by V1 क्या है, V2 by V1 तो सर K होता है, तो इसका मतलब I1 by I2 भी K होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन द टर्म्स ऑफ करंट ऐसे दिखाई देता है, उल्टा चलता है यहाँ पे। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर मैं कोई एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ बाय सम रेशियो, सपोज कर लीजिए कि फैक्टर ए से मैं किसी एक डेटा को बढ़ा रहा हूँ, मान लो वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि V1 को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो I1 जो है उसी फैक्टर से घटेगा, उसी फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा, सो दैट कि इनका जो नेट प्रोडक्ट जो निकल के आए यानी पावर की वैल्यू जो निकल के आए वो सेकेंडरी साइड वाले के बिल्कुल बराबर निकल के आएगी। मतलब वो रेशियो जो है या वो जो डिसिपेशन जितना हो रहा है वो इनपुट के बराबर रहेगा, दैट हैज टू बी सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। चलिए ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको अभी मैंने आपको कंडीशन बताया ना कि नो लोड और ऑन लोड की कंडीशन पे ये कैसे डिफर करता है। चलो इसी कंडीशन को एक बार प्रॉपर हम समझते हैं एक ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करके। लेट अस सपोज ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है वो डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसकी कुछ प्राइमरी वाइंडिंग लगी हुई है और इस तरफ हम लोगों ने कोई सेकेंडरी वाइंडिंग दे रखा है ऐसा। ये प्राइमरी साइड है तो हो सकता है हम यहाँ पर इनपुट सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट इट बी V1, फिर यहां से कुछ करंट आ रही है I1, इस तरफ में EMF इंड्यूस हो रही है E1 और नंबर ऑफ टर्न्स इसके N1 है। अब सेकेंडरी साइड पर अगर आ जाए हम लोग तो सेकेंडरी साइड पर हमारे पास है इंड्यूस्ड, अच्छा चलिए यहां पे N2 इंड्यूस्ड EMF E2, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो
टर्मिनल वोल्टेज रहेगा इसको मैं बोलूंगा वी टू, ठीक है, और यहां से कुछ करंट जाएगी आई टू। इतना डेटा तो आपको क्लियर होगा आई गेस। एक ट्रांसफार्मर का बेसिक कंडीशन मैंने दिखाया कि जहां पे सप्लाई वोल्टेज वी वन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई वन है, एन वन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई वन इज द सप्लाई करंट, प्राइमरी सप्लाई करंट। यहां पर क्या हो रहा है, एन टू उसका सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स है, ई टू उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी वो टर्मिनल वोल्टेज से या तो बराबर हो सकती है या उससे बड़ी होगी, हमेशा उससे छोटी कभी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज द फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये मैक्सिमम है जितना वहां पर मिल सकता है आपको। अब उसमें से वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पे अगर ड्रॉप हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने लोड लगाया है या नहीं लगाया, उस हिसाब से वैल्यू वी टू की कम या बराबर होगी, ठीक है उससे। चलिए ठीक है, तो यहां पर दो सिनारियो लेते हैं, एट लोड एंड एट नो लोड, दो सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। ऑन लोड यहां लिखते हैं, ऑन लोड कंडीशन, ऑन लोड कंडीशन, ठीक है, देखते हैं अब यहां पर लोड कंडीशन पर क्या चीजें हो रही है। देखिए जब ऑन लोड कंडीशन की आप बात करते हो ना, जब आप ऑन लोड कंडीशन की बात करते हो तो एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप लोड लगाएंगे तो I2 करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब I2 करंट फ्लो होगी तो ऑब्वियसली यहां वाइंडिंग की कुछ रेजिस्टेंस होगी R, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो आप ऑन लोड कंडीशन पे बोलेंगे कि आपके E2 की वैल्यू है V2 प्लस I2 इंटू R, V2 प्लस I2 इंटू R, या फिर आप लिखेंगे कि देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 माइनस I2 into R। इतना माइनस करने के बाद ये वैल्यू हमेशा आपको दिखेगी, V2 की वैल्यू इज लेस देन E2, ये सिचुएशन आपको मिल जाएगा ऑन लोड के कंडीशन में, कि जब ट्रांसफार्मर को आपने लोड पर रखा हुआ है, मतलब उस पर जब लोड लगा रखा है, तो आपका सेकेंडरी साइड का टर्मिनल वोल्टेज जो है वो आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर नहीं आ सकता है, उससे छोटा ही रहेगा हमेशा। लेकिन अगर मैं नो लोड सिचुएशन ले लूं, इसी पर अगर मैं दूसरा सिनारियो आपको दिखाऊं कि एट नो लोड ठीक है, नो लोड पर क्या हो रहा है भाई, देखिए नो लोड साइड, नो लोड कर दिया मैंने, मतलब यहां पर ये जो लोड है इसको मैं रिमूव कर देता हूं। इसके रिमूव करते ही मुझे थोड़ा देख के बताइएगा आप लोग कि क्या I2 करंट जाएगी, अभी क्या यहां से I2 करंट का फ्लो होगा क्या भाई, ये तो सेकेंडरी साइड तो ओपन सर्किट हो गया ना, नो लोड का कंडीशन मतलब इट हैज बिकम ओपन सर्किटेड। तो अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो करंट की वैल्यू तो जीरो हो गई। सो नाउ यू कैन से एट नो लोड, अगर आपका एक्सप्रेशन यही है कि E2 इज इक्वल्स टू V2 प्लस I2 इनटू R, ये एक्सप्रेशन था, तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं ना यहां पे कि एट नो लोड हमारा I2 जो है ये तो जीरो हो गया, कोई करंट जा ही नहीं रही। I2 अगर जीरो हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। सो देयरफॉर वी कैन से फाइनली कि भाई नो लोड कंडीशन है तो E2 सीधे सीधे V2 के बराबर है। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में जब इस सिचुएशन को हम लोग शो करते हैं तो नो लोड की सिचुएशन बाय डिफॉल्ट अज्यूम्ड रहती है कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो आपका सेकेंडरी साइड का, इसको लिख लेते हैं थ्योरेटिकली, कि दिस शोज कि एट नो लोड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर रहेगा। ये क्लियर है ये पॉइंट सभी को, ठीक है। तो अब इसके बाद E2 इज इक्वल टू V2 की सिचुएशन हमको क्लियर। तो अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है उसका एक्सप्रेशन क्या बनता है। तो फाइनली हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक्सप्रेशन, अब इतना जो चीज हम लोगों ने देखा अलग अलग फॉर्म पे, उसके हिसाब से फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज गिवन एज K इज इक्वल्स टू,
सबसे पहले ईएमएफ के टर्म्स पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ई टू बाई ई वन। फिर मैं नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से अगर बात करूं, सो दिस इज इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन। नो लोड कंडीशन की अगर मैं बात करूं इससे, कि अगर ऑफ लोड कंडीशन पर है आपका ट्रांसफॉर्मर, तो ये हो जाएगा वी टू बाई वी वन। लेकिन अगर करंट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये हो जाएगा आई वन बाई आई टू। करंट का रिलेशन इससे उल्टा चलता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है, जो आपको चेक करना होता है या जो आपको ध्यान देना होता है, वो ये है कि आपको हमेशा करंट जो है वो उल्टा आपको दिखाई देगा। मतलब अगर सब कुछ V2 by V1, N2 by N1 के फॉर्म में, तो करंट हमेशा जस्ट अपोजिट। टर्न रेशियो में भी यही होता है। टर्न रेशियो क्या होता है, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का रेसिप्रोकल, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो फाइनली समराइज करते हुए आपको टर्न रेशियो दोबारा से दिखा देता हूं एक बार। सो फाइनली वी विल गेट द टर्न रेशियो अल्फा इज द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अल्फा जो है टर्न रेशियो, इसको हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फॉर्म में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इट इज गिवन एज, लिख सकते हैं कि देयरफॉर इट इज गिवन एज अल्फा इज इक्वल्स टू। अब रेसिप्रोकल हो गया मतलब यहां पे हो जाएगा क्या, वी वन बाई वी टू इज इक्वल्स टू ई वन बाई ई टू इज इक्वल्स टू एन वन बाई एन टू। लेकिन अब रेसिप्रोकल होने की वजह से करंट का एक्सप्रेशन उल्टा हो जाएगा। So this is equals to I2 upon I1। अगर आप सारी सिचुएशंस को भी देखेंगे ध्यान से, K और अल्फा दोनों की सिचुएशंस का, तो आपको दो चीज़ें और समझ में आएंगी यहाँ से, दो और चीज़ें रिलेट हो जाएंगी जो मैंने पिछले पेज पे आपको लिखवाया हुआ है। क्या क्या दो चीज़ें, देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया कि अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है तो आपका ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो जाता है। देखिए अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है, यहाँ मैंने लिखवाया ना, तो आपका ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो जाता है, ठीक। लेकिन वहीं अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर सपोज कर लीजिए नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखे k की वैल्यू ग्रेटर देन 1, देखिए यहां कहीं पे लिखे होंगे, तो सिनेरियो ये है कि अगर k ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो जाता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जस्ट उल्टा सिनेरियो है, रेसिप्रोकल सिनेरियो यहां पे इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रेसिप्रोकल सिनेरियो। तो ये पॉइंट्स को जरूर से ध्यान में रखिएगा एग्जाम के हिसाब से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, तो टर्न रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो हमको ना ट्रांसफॉर्मर की जब मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो हमको के की वैल्यू चाहिए होती है वहां पे, कि के की वैल्यू को हमको देखना होता है कि इसको बढ़ाना है कि कम करना है, अगर हमको आउटपुट साइड पे करंट को कम या ज्यादा लेकर के आना है उस रिस्पेक्ट में, उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब दूसरा चीज जो मैं आपसे पूछ रहा था इस समय, कि जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है सपोज कर लो, ठीक है, वो वोल्टेज को कम कर रहा है तो करंट कैसे बढ़ रही है वहां पे। स्टेप डाउन मान लो ट्रांसफॉर्मर है, वोल्टेज को रिड्यूस करता है आइडियल केस पर, तो करंट कैसे इंक्रीज हो जाती है। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसमें पूछता है कि हाउ एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस द सेकेंडरी करंट, इंक्रीजेस द सेकेंडरी करंट व्हेन द सेकेंडरी वोल्टेज इज रिड्यूस्ड। तो सिनारियो ये है कि आपके पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो इसकी सर्किट ऐसी कुछ दिख रही होगी आपको। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो ये ऐसा कुछ आपको दिखना चाहिए। सर्किट वाइज देखें तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होनी चाहिए, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न जो है वो कम हो जानी चाहिए यहां से, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं, तो ये प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी साइड वाइंडिंग के टर्न्स हो गए, और इसके सामने लगा हुआ है सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स ऐसा। सो लेट इट बी एन वन, दिस इज एन टू। देख के समझ में आ रहा है हमको कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। यहां से हम वी वन प्रोवाइड कर रहे हैं, या वी एस बोल सकते, वी पी बोल सकते हो प्राइमरी साइड का वोल्टेज, और इसको आप वी एस बोल सकते हो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज।
ठीक है, सप्लाई करंट जो आप यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं दिस इज आई वन, और इंड्यूस्ड करंट यहां से आई टू जो है वो आपको मिल रहा है। ठीक, बेसिक एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोगों ने डायग्राम देखा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्योंकि आप ये सारे टॉपिक्स को अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि एकदम डिटेल में आपको बताया जाए ये सारे टॉपिक्स की मस्त से क्लैरिटी आ जाए आपको, फिर ट्रांसफार्मर से डर नहीं लगेगा। जो बहुत सारे बच्चे जो है वो ट्रांसफार्मर के टॉपिक से ही घबरा जाते हैं कि ट्रांसफार्मर, अरे बाप रे इतना सारा चीज़ कैसे पढ़ेंगे। बहुत आराम से आप पढ़ सकते हो और बिल्कुल नॉर्मली समझ में आएगा। अगर एसी सर्किट आपको समझ में आ चुका है, अगर आपको मैग्नेटिक सर्किट समझ में आता है तो ये भी कोई उससे अलग नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये क्लियर है आप सभी को कि भाई अगर सपोज कर लीजिए कि हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसमें उसको जब स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को तो करंट क्यों बढ़ जाती है उसके अंदर की। ठीक है, ये सिचुएशन। तो हमको पता है कि यहां से इसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूं इस पर। हाँ जी, इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। तो हमको पता है कि वी वन बाई वी टू या वी वन इंटू आई टू इज इक्वल टू वी टू इंटू आई वन होता है। V1 into I2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। V1 into I1 is equals to V2 into I2 लिखते हैं हम लोग। सो देयरफॉर वी कैन से कि V2 by V1 is equals to I1 by I2, ऐसा लिखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है उसका एक्सप्रेशन इस तरीके से बताते हैं हम लोग। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग नो लोड कंडीशन ले लें, नो लोड की कंडीशन अगर अज्यूम कर लें, अज्यूमिंग नो लोड कंडीशन, वी कैन से कि ऐसे ही E2 टू बाई ई वन भी इक्वल टू आई वन बाई आई टू होगा। ठीक है, ऐसे ही E2 टू बाई ई वन मतलब सेकेंडरी साइड का इंड्यूस डी एम एफ विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी साइड का इंड्यूस डी एम एफ शुड बी इक्वल टू आई वन बाई आई टू। ठीक है, करेंट्स के फॉर्म में अगर सपोज कर लीजिए कि हमारे पास वी वन ग्रेटर देन वी टू है या फिर वी टू ग्रेटर देन वी वन है, ये दो सिचुएशन ध्यान रखिएगा। V2 ग्रेटर देन V1 बोलने का मतलब यह है कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और V1 ग्रेटर देन V2 बोलने का मतलब है इट इज स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। जरूरी नहीं है कि स्टेप अप के लिए सिर्फ ये कंडीशन या स्टेप डाउन के लिए सिर्फ कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, दोनों के लिए सेम सिनारियो आएगा जो मैं अभी इसमें बताने जा रहा हूं आपको कि करंट अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट कम हो जाएगी वहां पे। ये सिनारियो आपको क्यों दिखाई देता है, क्वेश्चन ये है कि भाई वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो करंट भी बढ़ जानी चाहिए वहां पे, बट ऐसा हो नहीं रहा है, करंट नहीं बढ़ रही है। वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट रिड्यूस हो रही है वहां पे। हालांकि इस रेशियो से ऑलरेडी आपको क्लियर है, बट थोड़ा सा इसको डेफिनेट फॉर्म में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग हमारे पास यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इस टाइप का केस जो है वो यहाँ पे। ठीक है, तो हमको ये पता है कि अब जिस रेशियो में हमारा ई वन जो है, जिस ई टू जो है वो जिस रेशियो में कम होगा उसी रेशियो में करंट जो है वो बढ़ेगी, करंट I2 की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, तो लेट अस सपोज एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग। हियर इफ E2 रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर A, मान लो E2 को किसी A फैक्टर से हम रिड्यूस कर रहे हैं, सो दिस विल लीड या दिस विल इंक्रीज आई टू बाय द सेम फैक्टर, बाय द सेम फैक्टर ए। तो कैसे इसको शो करते हो आप, ये शो होता है लेट अस सपोज कि ई टू की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इट इज ई वन डिवाइडेड बाय ए, ऐसा लिख लेता हूं मैं। ये A के फैक्टर से E2 को मैं रिड्यूस कर रहा हूं E1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो E2 को मैं क्या लिख दिया, E1 upon A के फॉर्म में लिख दिया, तो जो मेरा I2 होगा ये हो जाएगा I1 into A के फैक्टर से इंक्रीज, इस फैक्टर से ये इंक्रीज हो जाएगा I2 की वैल्यू। क्यों, क्योंकि मुझे पावर को कांस्टेंट मेंटेन करना है, मेरा ट्रांसफार्मर जो है वो क्या कोशिश करेगा कि पावर जो है वहां पर कांस्टेंट मेंटेन हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम लोग लिखेंगे E1 into I1 is equals to E2 into I2। ठीक है, और E2 की जगह पे आप लिख लीजिए यहाँ पे, सो हम लोग लिखेंगे E1 into I1 is equals to E2 की जगह पे हो जाएगा E1 by A
तो देखिए अपने आप आई टू की जगह पे क्या हो जाएगा, आई वन इंटू ए, सो मल्टीप्लाइड विथ आई वन इंटू ए। अब जैसे ही आप इस फैक्टर को ध्यान देंगे, मतलब ये जिस मात्रा में घटी आई वन उसी मात्रा में बढ़ भी गई, तो ए जैसे ही यहाँ से कैंसिल आउट करोगे आपको ये दोनों साइड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि पावर को कंजर्व रखना है, पावर इज कंजर्व्ड। अगर मान लीजिए कि आई वन उसी फैक्टर से नहीं कम होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका ये रिड्यूस हो जाएगा और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं आएगा। इसका मतलब ट्रांसफार्मर जो है पावर का कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा है। तो मतलब जितनी आप इनपुट पावर दे रहे हो उतनी आउटपुट पावर नहीं, या हो सकता है उससे ज़्यादा आउटपुट पावर जा रही है, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है, जो कि टेक्निकली वहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं। तो इस सिनारियो को आप देख करके समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे अपने आउटपुट को कैसे मैनेज करता है, कैसे मेंटेन करता है। हम इसमें देखते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चलो वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेके जा रहा है, करंट को चेंज कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन ओवरऑल पावर की अगर आप बात करोगे ना तो दैट रिमेंस हमेशा कंजर्व्ड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी के बेसिस पे आपको दिखता है कि ट्रांसफार्मर कैसे सेकेंडरी साइड को अगर स्टेप अप कर रहा है या स्टेप डाउन कर रहा है, उस कंडीशन में करंट की वैल्यू कैसे चेंज हो जा रही है, करंट क्यों उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रही है। क्लियर सभी को? तो ये तो था पूरा डिटेल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड टर्न रेशियो। आगे चल के जब डिजाइन पैरामीटर्स आपको और डिटेल में बताऊंगा मैं, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगला टॉपिक आप लोग के लिए शुरू होने जाएगा, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आज का सेशन शॉर्ट और यहीं पर स्टॉप करता हूं मैं। मिलता हूं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू टॉपिक, और साथ ही जो भी बच्चे डिटेल्ड फॉर्म में मस्त तरीके से एसएससी जेई के एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी के लिए डेल्टा एकेडमी ऐप पर इसका पेड कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल मिनिमम फीस है इस पेड कोर्स की, और 10 जनवरी यानी कि कल से सुबह 10 बजे से क्लासेस आपकी शुरू होने जा रही है। तो एकदम मस्त तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहिए और शानदार तरीके से आप डेल्टा अकेडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको उस ऐप को डाउनलोड करने का या कोर्स तक पहुंचने का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर से चेक करिएगा, वहां पर इसके लिए गूगल ड्राइव की लिंक जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।